अपलायन में अपना भविष्य देखते हैं, हम लीडर में अपना भविष्य देखते हैं। अगर अपना भविष्य दिखाई देगा तो उसके पीछे पीछे चलेंगे, अगर नहीं दिखाई देगा तो क्यों चलेंगे। तो आप लोग भी किसी न किसी के अपलायन है, तो आप में लोग आपकी टीम परसुराम भाई आपका भविष्य देख रही है, आपकी टीम अपना भविष्य देख रही है। अगर आपका भविष्य खराब है तो डर जाएंगे, इसलिए अपना भविष्य बनाना हो, अपने आप को हर तरीकों से इस तरह नियंत्रण करना बहुत जरूरी है कि हमने पीछे से बहुत लोग हमें अपना भविष्य दांव पे लगाए हुए हैं, हमें देख कर। तो ऐसा नहीं हमें देख के डर जाते हैं, ऐसा खतरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये ऐसा के साथ है कोई बात नहीं, हमारा इतिहास लिखा जाएगा। आप खुद सोचिए, कोई जुड़ नहीं रहा है, क्यों जुड़े? आप को देख रहे हैं, आपकी हुलियों को देख रहे हैं, आपके रहन सहन को देख रहे हैं, आपकी कामयाबी को देख रहे हैं, आपको ही पूरा हो हर तरह से देख रहे हैं। आपके चारों तरफ वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दिया उसने और बैठ के छुप छुप के अपने लैपटॉप में आपको देख रहा है, हर ऑनलाइन और हर जनता जनार्दन और आपके परिवार भाई बहन सब देख रहे हैं। तो आप देखिए पोजिशन क्या आपकी, ये सर्विंग और डुप्लीकेशन पे आधारित बिजनेस है। आपकी टीम गंगा कंपनी की, यहाँ दो शब्द है, पहला क्या है सर्विंग और दूसरा क्या है सर्विंग माने, सर्विंग माने सेवा करना, क्या करना बोलिए, क्या करना सेवा। अगर आप लीडर हैं तो लीडर का काम है हुकूमत करना नहीं है, लीडर का काम डांट लगाना नहीं है, हेलो yes. लीडर का काम आपके ऊपर चढ़ के बैठना नहीं है, लीडर का काम है अपनी टीम का सेवा करना। समझ में आया कि नहीं आया? yes. सेवा करना, सेवा। और जब करेंगे सेवा तो क्या मिलेगा? छोटी yes. सेवा होता है नौकरी में एक चपरासी की, तो उतना उसको इधर पानी पैसा मिलता है। बड़ी सेवा में होता है एक अफसर तो उसको ज्यादा मिलता है, जितना बड़ा सेवा उतना ज्यादा पुरस्कार। ज्यादा इतना पाना चाहते हैं आप लोग? बोले इतना पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सेवा। किसकी सेवा? अपने टीम की सेवा करिए। क्या सेवा? उनके जीवन में जाइए, उसको दुख है तो दुख मुक्त करिए, उसके पास पैसे की कमी है तो पैसों से मुक्त करिए, वो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करिए, वो काम नहीं कर पा रहा तो काम उसका कराइए, उसका मोरल डाउन है तो उसका मोरल हाई करिए, वो हार चुका है उसको आप जाके जिताइए, वो कहाँ है किस हाल में कहाँ पड़ा है वो इसी हाल में उठा के उसको मंजिल पर ले जाइए। यही सबसे बड़ी सेवा आपकी, और इसी सेवा के बदले आपको मेवा मिलना है। इसी सेवा के बदले आपको मेवा मिलना है। ध्यान रहे, ये जीवन, जीवन को बचा कर रखिए, अठन्नी चवन्नी में जीवन को मत खर्चा करिए, जीवन को अठन्नी चवन्नी में खर्चा मत करिए, बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि जब जीवन से बाहर कोई लक्ष्य आएगा, वैसे तो जीवन ही बहुत बड़ा है, मगर जीवन से भी बड़ा अगर कोई बात आएगी तो जीवन को वहां पे आहुति दे सके, इसलिए बचा कर रखिए। समझ आया नहीं आया? जीवन को बचा कर रखिए। और जब आपको अपने टीम में लोगों में समाज में देश में दुनिया में लगे कि जीवन से बड़ा कोई टास्क का जरूरत है दिखाई दे रहा है, अब मुझे रोकने की जरूरत है, अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है, तो अपने जीवन को आहुति दे दीजिए, कुर्बानी दे दीजिए। समझ आया? तो हमने धन्यवाद खर्चा करिए। तो ये सर्विंग बिजनेस है, सेवा करिए एक आदमियों की। तो आप जब सेवा करेंगे तो आपकी टीम आपकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? बोलिए। आपको हाथों में उठा कर रखेंगे, तो ये बात ध्यान रहे, सेवा करना है। ये नहीं कि हमारा हमारी आईडी यहां से है तो हमारा अपलाइन देखे उसका, ये कौन सी मानसिकता है? ये बहुत ही तुच्छ मानसिकता से बिजनेस करने से मतलब क्या? आपके साथ लोग जिंदगी दांव पे लगाए हैं और आप मजाक कर रहे हैं आईडी डाल के, आईडी आईडी खेल रहे हैं, ये आईडी आईडी खेल नहीं है, जीवन लोग लगाए लगाएंगे। बोलिए आप,
बोल के लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? तो ये जो हाँ हाँ बोल रहे हैं सब हमारे नीचे है कि आपके भी नीचे कोई ना कोई है? हेलो, आपके भी नीचे है ना? आप केयर करते हैं नहीं करते? आपसे शुरू करते थे वहां से केयर करना शुरू करते हैं, हाथ खड़ा करें, वहां इसका मतलब क्या नहीं करते थे? अरे इम्यूनिटी सपना की कहां चलती है? तो हमारे तो पूरा साल बच रहा है, कितना करके फिर से माफ करना कार्यक्रम कर दिया करें जो और पाली से भाई साहब के लिए वैसे अच्छा लग रहा होगा कि जो मेरी स्पीच जिस प्रो में जा रही उसी प्रो पे पक्का सब सुना। इसलिए सावधान रहिए, आप देखिए अपने आप को बचाके क्या मेरा बेकार नहीं तो सुधर जाइए। तब चार दिन बताए ये मत बोले कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं, सबको पता है आप क्या कर रहे हैं। अपनी टीम में क्या आप डुप्लीकेशन कराना चाहते हैं? बोलिए, आपकी छाया आपकी टीम है, आप खुद को सिस्टम पर लाए, टीम अपने आप आ जाएगी, आएगी नहीं बोलिए, क्योंकि आपकी टीम किसकी छाया है? आपकी छाया है। सही है गलत इस बात का ध्यान आपको पहले दिन से देना होगा टीम में। मैं आज प्लान दिखाने गया हूँ, ये नया आदमी है, पहले ही दिन से एक नए प्रोस्पेक्ट क्या बताना और क्या नहीं बताना, पहले ही दिन से मुझे ध्यान देना है। कई लोग पहले ही दिन उसको उल्टा पुलटा टोपी लगाते हैं, तो पहले ही दिन गलत ज्ञान देखे आ गया आपकी, अब बाद में उल्टा पुलटा एक खंड करके बोले ऐसा करते। मैं पूछता हूँ सीखा कहाँ से? कोई पढ़ाई तो किया नहीं, आप वही सीखा हो तो अपने पहले दिन से ध्यान देना है, सच्ची सच्ची बात करना है, सिस्टम की बात करना हमने टीम से करेंगे आप लोग। देखिए खाली दुआ हर प्लान दिखाने बात नहीं बनती है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है, तब जाके एक जबरदस्त टीम तैयार होती है। लोग लीडर लीडर का नकल करते हैं, लीडर है आप। आपको मैं कह रहा हूं अपलाइन को नहीं, जब मैं बोला हूं लीडर को लोग नकल करते हैं तो आप अपने अपलाइन को सोच रहे हैं। आपको मैं बोल रहा हूं, आपको मतलब सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी आपकी बेटा बेटी और आपकी टीम आपको नकल कर रही है आपको। तो ड्रेस कोड चेक कर लिया अपना, ड्रेस कोड टाइम पे आना, फायर ट्रेनिंग का प्रमोशन, एक एक छोटी छोटी बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, देखिए जैसे आप हैं वैसे टीम आपके बनेगी। पिछले 10 सालों में एक भी मीटिंग मेरा नहीं मिस हुआ है। क्या बनना चाहते हैं आप? पूछ रहा हूं बनना चाहते हैं? इस बिजनेस का सबसे बड़ा सच है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, ये सच। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा झूठ भी यही है कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। सच कैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। झूठ कैसे है? मैं कर सकता हूं, मैं बन गया हूं तो आप भी बन जाएंगे, ये जरूरी नहीं क्यों, क्योंकि जो मैं बना हूं जो जो मैं किया हूं वो करेंगे तो ना बनेंगे। तो 10 साल हो गए मैं फिर बन गया हूं, 10 साल से मैं एक भी मीटिंग में अब्सेंट नहीं हूं, 10 साल से अपनी टीम की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, 10 साल से सिस्टम को 100% पालन कर रहा हूं। आप देखिए कर रहे हैं, आपकी छाया की टीम है। क्या आपको आपका लड़का अपना रोल मॉडल मानेगा? अगर नहीं तो टीम क्यों मानेगी? हेलो चेक, अब आप एक मोबाइल में जाइए फोटो, उसमें कुछ क्रिकेटर हीरो कौन सी लीड लगती है इसमें? अभी आपका बेटा ही आपको रोल मॉडल नहीं मानने को तैयार है, ठीक है ना माने? हेलो हेलो, अरे तू हाँ माने ना चाहिए तो प्यार करता है वो, प्यार वो आपको करता है, एक पारंपरिक बात है, संस्कार है, लेकिन भीतर जानता है कि अधूरा है।